हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के फ्री सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ फ्री में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बस आप लोग को 20 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग मिनिमम जो है यू विल गेट 5% ऑफ द ईच करेक्ट आंसर, ठीक, एट द क्विज़ आंसर योर टोटल स्कोर विल बी डिस्प्लेड ऑफ योर स्क्रीन। 100% मैक्सिमम कोर्स का 100% रहेगा। आप लोग इसमें मिनिमम यू विल गेट 5% फीच को करेक्ट आ सके, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग 20 क्वेश्चन का आंसर दें, फ्री में सर्टिफिकेट पाएँ। चलिए हम लोग बात करते हैं किस तरह सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके साथ साथ W3 की वेबसाइट पर आप लोग फ्री में कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं। मैंने फ्री कोर्स रिलेटेड पहली वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर फ्री में सर्टिफिकेट ले लें, या वहाँ से भी कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग फ्री में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरह सर्टिफिकेट लेना है और किस तरह से आप लोग क्वेश्चन के आंसर देंगे। मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए, आप लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देखें। इसमें क्वेश्चंस का आंसर जो हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप लोग जैसे मैंने इसमें वीडियो अपलोड किया आप लोग वैसे ही आंसर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर करें। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पहुँच जाएंगे। पेज पर आने के बाद स्टार्ट क्वेश्चन क्लिक करें। स्टार्ट क्विज करने के बाद हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाएंगे, जहां हम लोगों को वन बाय वन सारे क्वेश्चन का आंसर देना होंगे। HTML स्टैंड्स फॉर HTML के स्टैंड करता है, इसका बी वाला है टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट पर आ जाएं, नेक्स्ट है व्हाट टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, इसका ए वाला है। फिर नेक्स्ट पर आ जाएँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द HTML एलिमेंट यूज टू डिस्प्ले एन इमेज। कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। इसका सी वाला IMG। फिर नेक्स्ट पर आ जाएं, विच ऑफ द टैग बिलो मस्ट बी लोकेटेड द हेड सेक्शन ऑफ योर पेज। इसका वाला है सी, वहाँ पर क्लिक करें। फिर थर्ड, फिर नेक्स्ट पे आ जाएं, हाउ टू राइट HTML कमेंट। HTML कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सी वाला है इसका आंसर, दिस इज एन HTML कमेंट, टैग करें। फिर नेक्स्ट पे आ जाएं, H3 इज़ द बिगेस्ट हेडलाइन टैग, यानी H3 जो बिगेस्ट हेडलाइन टैग इसका है, फॉल्स। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखते रहें, नॉलेज भी गेन करें, और नॉलेज के आंसर जब आप क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेंगे तो सर्टिफिकेट भी मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे लेट्स स्टार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग इस तरह की वीडियो मिलती रहें, और आप लोग बेल आइकन पर बटन क्लिक करके और पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो डायरेक्टली अपने पेज पहुंच जाए और आप लोग को सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्टली आप लोग वीडियोज़ पर जाके वीडियोज़ देखें, कोर्स कंप्लीट करें और सर्टिफिकेट लें। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द करेक्ट HTML टैग फॉर अ न्यू पैराग्राफ, इसका है बी वाला पी। नेक्स्ट पर आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर ऑप्शंस इज नॉट एन HTML एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज नॉट अ HTML एट्रीब्यूट, इसका है सी, फॉन्ट साइज। नेक्स्ट पर आ जाएं, उसके बाद व्हाट HTML फ्रॉम इनपुट मस्ट बी यूज प्रेजेंट मल्टीपल ऑप्शन बट सेलेक्ट ओनली, इसका आंसर देख लेते हम लोग क्या है। इसका है ए वाला इनपुट टाइप। नेक्स्ट पर आ जाएं, What is the HTML from input used to send information from the server? इसका आंसर है सी वाला input type send। Next पर क्लिक करें, select block level text। Block level text इसका आंसर है सी वाला H1। Next पर आ जाएं, which of the following text is used to create unordered list?
इसका है UL, नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। सेलेक्ट इन लाइन एलिमेंट, सेलेक्ट इन लाइन एलिमेंट कौन सा है, स्पैन, ए, टेबल या फिर पी। इसका आंसर है सी वाला, टेबल। नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। इज़ इट पॉसिबल टू यूज़ टेबल इनसाइड अनदर टेबल, यस। नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। व्हाट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट दैट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैब, इसका है बी वाला आंसर, एम्प्टी टैग। नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। फिर हम लोग पहुँच गए 16 नंबर क्वेश्चन में। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी सेल, सॉरी एम्प्टी एलिमेंट, इसका है सी नंबर, इमेज। फिर नेक्स्ट पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टैग्स यूज क्रिएट टेबल हेडर सेल, क्रिएट टेबल किससे कैसे करते हैं। ए नंबर है इसका, एच। नेक्स्ट पर आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टैग्स यूज टू क्रिएट टेबल डेटा सेल, इसका है ए वाला, टी डी। नेक्स्ट पर आ जाएं। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन में। विच एलिमेंट इज़ नॉट एम्प्टी, कौन सा एलिमेंट एम्प्टी नहीं होता है। इसका सी वाला, आई एम जी। नेक्स्ट पर आ जाएं। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। विच टैग इंडिकेट्स अ फॉर्म फील्ड वेयर द यूज़र कैन एंटर लार्ज अमाउंट और टू टैक्स, इसका वाला आंसर देखें। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टेबल डी वाला। नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। और हम लोग सबसे लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर एचटीएमएल बेसिक का फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। आप लोग यहाँ पर अपना नाम और ईमेल आईडी फिल कर लें। सर अपना नाम फिल कर लेते हैं, नीचे आ जाए, ईमेल आईडी फिल कर लें। और यहाँ पर आप लोग गेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने स्कोर किए हैं। यहाँ पर आ गए, हम लोगों ने फ्री में सर्टिफिकेट ले लिया है इसका। ऑफ अचीवमेंट लेट्स स्टार्ट लर्निंग, हमने 58% इसमें स्कोर किए हैं, सर्टिफिकेट मिल चुका है। आप लोग भी इस तरह के सर्टिफिकेट लें ताकि आप लोग को भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड फ्री में सर्टिफिकेट मिल सके और आप लोग अच्छा सर्टिफिकेट करके अच्छी जॉब भी कर सकें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।